पेज नंबर थर्ड से लेके पेज नंबर फोर ज़ीरो वन तक आपको काफ़ी सारा डेटा यहाँ पर मिल जाएगा काफ़ी सारे एम सी क्यू क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए गए हैं इसके अलावा डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है जनरल अवेयरनेस रीजनिंग एबिलिटी इंग्लिश हिंदी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी इंक्लूड किया गया है तो इसी बुक को डाउनलोड करने की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही है वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहला सवाल फोन दे क्यूजिन क्यूसिन किसे कहा जाता है क्या रेफर करता है दे तो ये एक टर्म है टर्म से ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर ए स्टॉक दे को स्टॉक भी कहा जाता है ऑफन यूज टू डिस्क्राइब अ फ्लेवरफुल लिक्विड दैट सर्व एज द बेस ऑफ स्टॉक्स ब्रोथ ग्रेवीज एंड सॉसेस तो फोन डे क्यूजन क्या होगा फोन डे क्यूजन का आंसर होगा स्टॉक क्वेश्चन नंबर टू हम लोग देखते हैं स्पेगनॉल सॉस क्या होता है स्पेगनॉल सॉस जो होता है बेसिकली एक ब्राउन सॉस ये होता है आप फोटो भी देख पाओगे स्पेगनॉल सॉस जो होता है एक ब्राउन सॉस ये होता है क्वेश्चन नंबर थ्री है ब्रूनोस इज अ क्लासिकल कट वेजिटेबल तो ब्रूनोस जो है एक क्लासिकल कट वेजिटेबल है या नहीं तो ट्रू या फिर फॉल्स का आपको एक सवाल देखने को मिलेगा जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो ब्रूनोस जो है एक क्लासिकल कट है तो इस टाइप से कट किया जाता है आंसर नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा इट इन्वॉल्व्स डाइसिंग द वेजिटेबल इनटू वेरी स्मॉल एंड यूनिफॉर्म क्यूब्स टाइपिकली अराउंड वन टू थ्री मिलीमीटर्स इन साइज क्वेश्चन नंबर फोर हम लोग देख लेते हैं तो शेफ इज जूनियर टू तो किसका जूनियर होता है पोजिशन ऑफ सेकेंड इन कमांड इन द किचन तो ये जो है टॉप रैंक में सेकेंड नंबर पर यह आता है सबसे पहले नंबर पर जो आते हैं वो होते हैं एग्जीक्यूटिव शेफ तो शेफ जो होते हैं वो होते हैं सेकेंड पोजी पोजीशन होल्ड करते हैं इन द किचन डायरेक्टली बिलो द हेड शेफ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपको पूछा जा सकता है सी डी पी फॉर तो सी का लॉन्ग फॉर्म यहां पर आपको बताना है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए शेफ दी पार्टी तो शेफ दी पार्टी जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा एब्रिविएशन से रिलेटेड यहाँ पर आपको एक या दो सवाल तो आपको एग्जामिनेशन में देखने को जरूर से मिलेंगे हमारे आने वाले हर वीडियो में आपको एप्रिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को जरूर से मिलेगा एंड इसके अलावा एक डेडिकेटेड वीडियो भी आने वाले समय में आएगा एप्रीवेशन के ऊपर क्वेश्चन नंबर सिक्स हम लोग देख लेते हैं सैचे सैचे स्पाइसेस स्पाइसेस क्या है तो सैचे दी स्पाइसेस जो है तो जो ये क्या है एक फ्रेंच वर्ड है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी बुके गारने तो ये भी क्वेश्चन जो है काफी बार रिपीट किया गया है बुके गारने के बारे में तो बुके गारने का डेफिनेशन भी आपको हमारी बुक में मिल जाएगा यहाँ पर भी डेफिनेशन लिखा गया है एक बार ही पढ़ लेते अब बुके गार्नी इस बंडल ऑफ हर्ब्स टाइपिकली टाइड टुगेदर विद द स्ट्रिंग एंड यूज्ड टू एनहांस द फ्लेवर ऑफ सूप स्टॉक स्ट्यूज़ एंड वेरियस डिशेस इट इज ट्रेडिशनल फ्रेंच कलिनरी टेक्निक तो ये कलिनरी टर्म का एक हिस्सा है सेच दिस पेसेस इसे कहा जाता है जिसे एक फेमस वर्ड है वो है बुके गार्नी क्वेश्चन नंबर सेवन है रॉकेट इज अ टाइप ऑफ तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रॉकेट इज अ टाइप ऑफ लेट्यूस तो लेट्यूस जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा रॉकेट लेट्यूस इज एन एडियबल एनुअल प्लांट इन द ब्रेसिकिया फैमिली क्वेश्चन नंबर एट हम लोग देख लेते हैं मिंट लीव्स कम्स अंडर तो मिंट लीव्स जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं हर्ब्स है रूट्स है फ्रूट्स है, है या फिर फ्लावर्स है तो मिंट जो है एक हर्ब कैटेगरी में ये आता है तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हर्ब्स मिंट इज नोन फॉर इट्स कामिंग प्रॉपर्टीज दैट कैन हेल्प एन अपसेट स्टमक और इंडाइजेशन के उपयोग में इन आता है काम में आता है तो मिंट लिव जो है वो एक हर्ब कैटेगरी में आता है तो आपको एग्जामिनेशन के लिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको हर्ब्स रूट्स फ्रूट्स फ्लावर्स तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा क्वेश्चन नंबर नाइन है आइसबर्ग इज एन एग्जाम्पल ऑफ तो आइसबर्ग क्या है तो ये काफ़ी इजी सवाल है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है लेटिवस तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर टेन है द प्रिंसिपल पर्पस ऑफ सॉस इज तो सॉस का एक प्रिंसिपल पर्पस क्या होगा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी इनहस द फ्लेवर ऑफ फूड द प्रिंसिपल पर्पस ऑफ सॉस इज टू इनहस द फ्लेवर ऑफ फूड सॉसेज कम इन वेरियस फॉर्म इंक्लूडिंग लिक्विड क्रीम और सेमी लिक्विड कंसिस्टेंसीज एंड आर यूज बोथ इन प्रिपेयरिंग एंड सर्विंग फूड तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हमारी ई बुक में भी मोर देन वन थाउजेंड क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे एम सी क्यू प्लस यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है काफी इंपॉर्टेंट ये बुक होगा कैटरिंग सुपरवाइजर का जो एग्जामिशन निकला हुआ है एन में उसके रिगार्डिंग तो आपको ये इंडेक्स पेज दिख रहा होगा तो इसी पेज नंबर पर आपको ये सारे सवाल मिल जाएंगे मोस्टली जो है एम सी को इंक्लूडेड किया गया है विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो इसे जरूर से आपको डाउनलोड कर लेना है थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस